हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ इनकट वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो इस वीडियो में हम अपना प्रोजेक्ट नंबर 10 करेंगे, जो कि है सीरियल कंट्रोल्ड मूड लैम्प। इससे पहले हमने प्रोजेक्ट नंबर 8 में मूड लैम्प किया था, तो वो एक हमने लॉजिक यूज़ किया था रैंडम नंबर जनरेट करके, उसको इंक्रीमेंट करके 256 स्टेप में, फिर अलग अलग मूड लैम्प से अलग अलग कलर जनरेट हो रहा था और उसे मूड लैम्प तैयार किया था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग खुद से कंट्रोल करेंगे, मतलब वैल्यू जो है सीरियल कंट्रोल, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर, एक आर्डिनो आईडी में हम सीरियल मॉनिटर एक होता है उसको, उसका यूज करके इसको मूड लैम्प को खुद से कंट्रोल करेंगे। मतलब कि जो कलर जनरेट होगा उसमें जो जितना रेड का कंट्रीब्यूशन होगा वो वैल्यू हम देंगे, जितना ग्रीन का कंट्रीब्यूशन होगा वो वैल्यू हम देंगे, और जितना ब्लू का कंट्रीब्यूशन होगा वो भी वैल्यू हम देंगे। तो तीनों जो तीनों कलर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब 0 से 255 के बीच में उसका कितना कंट्रीब्यूशन होने वाला है, कितना वैल्यू होने वाला है, वो वैल्यू हम लोग सीरियल मॉनिटर के थ्रू देंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सीरियल मॉनिटर क्या चीज़ है। तो जब हम आर्डिनो आईडी ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे टॉप राइट में आप देखिएगा कि ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा एक आइकन होता है, जिसपे आप होवर करिएगा माउस को तो वहाँ पे लिख के आता है सीरियल मॉनिटर, उसको क्लिक करिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ गया जब मैंने क्लिक किया था। एक्चुअली ये सीरियल मॉनिटर तभी चलता है जब आप इसको आर्डिनो आईडी को सॉरी आर्डिनो को आप कनेक्ट करके रखेंगे यूएसबी से, तभी आप वो अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे कि उसको आरडी को कनेक्ट करके पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आप इस सीरियल मॉनिटर फिर से क्लिक करिए, ये देखिए ये कुछ इस तरह का एक विंडो आ जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो विंडो है ये हमारा सीरियल मॉनिटर है, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा था यहाँ पे हम टाइप करके सेंड करते हैं। फिर यहाँ पे ये जो 9600 बॉड आप देख रहे हैं ये हम बॉड रेट सेट करते हैं, जो जैसे जब हम यूएसबी, एक्चुअली सीरियल मॉनिटर में होता क्या है कि हम जो इनपुट है वो कंप्यूटर के थ्रू दे रहे हैं, हमने यानी कीबोर्ड से टाइप किया, जैसे ही सेंड पे क्लिक किया वो यूएसबी पे को आपसे कनेक्ट करने के लिए इसीलिए मांगा ही था, क्योंकि जैसे ही मैंने क्लिक किया वो यूएसबी में जो आप वायर कनेक्ट किए हैं, केबल कनेक्ट किए हैं, उस केबल के थ्रू वो जाता है, तो उसको वो जो केबल के थ्रू डेटा सेंड होता है उसमें एक तरह उस केबल को बफर कहा जाता है, केबल को आप बफर कह सकते हैं, तो सीरियल बफर होता है, तो बफर के थ्रू डेटा जाता है और डेटा आर्डिनो तक पहुंचता है, फिर आर्डिनो उसको प्रोसेस करके उसको जो जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें दिया रहता है वो एग्जीक्यूट करता है। ये जो भी आउटपुट होता है ये नीचे वाले स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो अगर आपको उस आउटपुट को क्लियर करना होता है तो वो क्लियर आउटपुट करते हैं हम उसको। तो ये बेसिक चीज़ है सीरियल मॉनिटर के बारे में। चलिए आप सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में हम लोग पहले कोड को समझेंगे फिर कोड को अपलोड करेंगे। तो चलिए कोड को समझते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका, मैंने आपके बुक का ही स्क्रीनशॉट लिया है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपको ट्यूटोरियल दिया गया है उसमें यहाँ पे ये कोड इंटर द कोड, यहाँ से कोड स्टार्ट होता है। तो देखते हैं आगे क्या है कोड में। कोड को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूँ कि इसका, इस प्रोजेक्ट का जो कनेक्शंस है वो एग्जैक्टली सेम है जो प्रोजेक्ट नंबर 8 में दिया गया है। ये आपके, आपने अगर ट्यूटोरियल देखा होगा अपना तो जो ट्यूटोरियल बुक है उसमें भी आपको कनेक्शन का कोई पिक्चर नहीं दिया हुआ, वो एक्चुअली सेम है यहाँ पे जो आपका जो प्रोजेक्ट नंबर 8 है। तो आप उस प्रोजेक्ट के वीडियो को रेफ़र करके कनेक्शंस का अगर आपको बारे में कुछ समझना है तो वो समझ सकते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट नंबर 8 देखा होगा तो आप यहीं से कंटिन्यू कर लें, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक दिया हो तो आप उसको फॉलो करके प्रोजेक्ट नंबर 8 का वीडियो पहले देखें फिर 10 देखें। तो चलिए कोड को स्टार्ट करते हैं, कोड को समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनिशियली कुछ इनिशियलाइजेशन हुए हैं, यहाँ पे कुछ इनिशियलाइजेशन हुए हैं। पहले तो एक बफर एरे क्रिएट किया गया है 18 कैरेक्टर्स का। 18 कैरेक्टर्स का क्यों किया गया, सॉरी 18 एलिमेंट्स का किया गया कैरेक्टर्स, क्योंकि ये कैरेक्टर एरे है इसलिए मैंने कैरेक्टर कह दिया। एक कैरेक्टर मेरा एक एलिमेंट होगा, तो कैरेक्टर एरे मैंने एक बना लिया वो 18 एलिमेंट्स का, जिसका नाम है बफर। फिर इंटीजर वेरिएबल है रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये रेड ग्रीन एंड ब्लू डिसाइड कलर का वैल्यू, रेड कलर का वैल्यू, ग्रीन कलर का वैल्यू और ब्लू कलर का वैल्यू स्टोर करेगा। उसके बाद पिन नंबर्स स्टोर हुए हैं एज इट इज़, सॉरी एज यूजुअल। और फिर सेटअप फंक्शन में हम आते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला, देखिए सीरियल मोनिटर जब हम यूज कर रहे हैं तो जो सबसे पहला आपको काम होता है कि उसका बॉड रेट सेट करना। तो ये जो सीरियल डॉट बेगिन यहाँ पे फंक्शन है ये बॉड रेट सेट करने के लिए यूज़ होता है। ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका बॉड रेट यूज़ करता है, सेट करता है
ये इंस्ट्रक्शन देता है कि इसका जो बॉड रेट है सीरियल मॉनिटर का वो 9600 बॉड पे उसको फिक्स करना है। फिर यहाँ पे जो आप देखते हैं उसके बाद जो फंक्शन है वाइल सीरियल डॉट अवेलेबल, सीरियल डॉट अवेलेबल क्या रिटर्न करता है कि जो हमारा बफर है, जैसे कि मैंने बताया जो हमारा केबल है यूएसबी केबल वो एक तरह से बफर का काम करता है, तो वो डेटा सेंड करता है। तो अगर उसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स रह गए हो या फिर कुछ डेटा रह गया हो तो वो ये जो डॉट अवेलेबल है ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब सीरियल डॉट अवेलेबल ये ट्रू रिटर्न करता है या फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर ये ट्रू रिटर्न किया तो सीरियल डॉट रीड कर लेते हैं उस चीज़ को, मतलब वो रीड कर लेता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा बफर है वो फ्लश हो जाता है। मतलब मान लीजिए, तो आप इसको ऐसे विजुअलाइज करिए कि आपके पास एक बकेट है जो कि जिसमें पानी भरा हुआ है, तो आपके पास एक और बकेट है एम्प्टी बकेट। तो आप क्या करेंगे कि एक छोटा सा पाइप यूज़ करके एक बकेट से लेके दूसरे बकेट में पानी को ये कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप चेक करते हैं, जैसे जब आप उस पाइप को उठाते हैं तो उसमें कुछ ड्रॉप्स रह जाते हैं वाटर के, जिसको आप गिराते हैं वापस से दूसरे बकेट में। तो वो वही बात हो गया कि वो यहाँ पे जो ये दो स्टेटमेंट का काम हो रहा है, ये दो स्टेटमेंट का जो काम है वो उसी पाइप का को के ड्रॉ वाटर ड्रॉप्स को हटाने का है कि जो भी इसमें बचा हुआ है अगर कोई किसी तरह का डेटा तो उसको रीड करके फ्लश कर दीजिए, क्योंकि हम इस जो रीड कर रहे हैं इसको कहीं रिस्टोर नहीं कर रहे हैं, तो ये एक तरह से फ्लश हो जा रहा है। उसके बाद हम पिन मोड चेंज कर देते हैं, रेड पिन, ग्रीन पिन और ब्लू पिन का आउटपुट मोड में। तो ये पिन मोड चेंज करने के बाद हम आ जाते हैं सेटअप, ये सॉरी लूप फंक्शन में। लूप फंक्शन में क्या है कि तो सबसे पहले हमने एक इफ स्टेटमेंट यूज़ किया है जिसमें चेक कर रहे हैं कि अगर बफर में डेटा है या नहीं। तो सीरियल डॉट अवेलेबल ये जो इस ग्रेटर देन जीरो है, अगर तो ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब हुआ कि बफर में डेटा है, मतलब उस केबल में अभी भी डेटा है। तो वो अगर है तो सबसे पहले तो इंट इंडेक्स जीरो कर देते हैं। जैसे ही मान लीजिए कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे ही हम सीरियल मॉनिटर पे इंस्ट्रक्शन टाइप करके सेंड करते हैं तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे केबल में आ जाता है, मतलब बफर में आ जाता है। तो वो जैसे ही इंस्ट्रक्शन सेंड कर, ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये ट्रू हो जाएगा, ये जैसे ही सेंड करेंगे तो ट्रू हो जाएगा। तो वहाँ पे उसके बाद एक हम वेरिएबल करेंगे इंडेक्स, इसका यूज़ आगे समझ में आएगा। तो इसको जीरो पे पहले इनिशियलाइज कर देते हैं डिक्लेयर करके, फिर डिले देते हैं 100 मिलीसेकंड्स का, ये देते हैं पूरे मतलब सारे इंस्ट्रक्शन को उसमें आ जाने के लिए, क्योंकि जो सीरियल मॉनिटर में जो होता है इंस्ट्रक्शन होता है वो सीरियली उसमें में ट्रेवल करता है। तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सीरियली उसमें इंटर करेगा, तो इसलिए 100 मिलीसेकंड्स का डिले देके उसको पूरे बफर को फिल होने का टाइम देते हैं। उसके बाद हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप का, नम कर, जो कि इज इक्वल टू सीरियल डॉट अवेलेबल। अब ये क्या कर रहा है, एक्चुअली सीरियल डॉट अवेलेबल जो फंक्शन होता है वो मैंने डायरेक्टली ट्रू कहा था यहाँ पे वाइल को एक्सप्लेन करते वक्त। तो ट्रू कब होता है, जीरो से के अलावा कोई भी अगर वैल्यू हो तो वो ट्रू होता है। तो एक्चुअली जो सीरियल डॉट अवेलेबल रिटर्न करता है वो होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि बफर में अवेलेबल है वो रिटर्न करता है, इंक्लूडिंग स्पेस। स्पेस भी आपको ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हम स्पेस यूज़ करते हैं वो भी कैरेक्टर एक कैरेक्टर में काउंट होता है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये रिटर्न करता है अवेलेबल में। तो जैसे यहाँ पे था या फिर यहाँ पे है, तो यहाँ पे सीरियल डॉट अवेलेबल फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो अगर डेटा उसमें हुआ बफर में तो वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देगा, जो कि ऑब्वियसली ट्रू कंडीशन होगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमेशा पॉजिटिव होंगे, या फिर निगेटिव भी हुआ तो वो ट्रू ही होता है। तो जीरो के अलावा कुछ भी चीज़ वो जीरो फॉल्स है और जीरो के अलावा कुछ भी चीज़ ट्रू है। तो सीरियल डॉट अवेलेबल हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा बफर में। अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 15 से ज़्यादा है, मतलब आपने मान लिया कि जो हम इंस्ट्रक्शन किस टाइप का देते हैं वो अभी चेक करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कंडीशन हमने क्यों यूज़ किया था। फिलहाल आप बस इतना देख लीजिए कि ये इफ़ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर 15 से ज़्यादा है तो उसको 15 में हम वापस से स्टोर कर देते हैं। एक तरह से कंस्ट्रेंट कर देते हैं कि 15 ही होना चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से हायर वैल्यू एक डिसाइडेड है पहले से कि 15। अब जो है हम नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है कि हम ये वॉइल नम करेक्ट कर माइन नम कैर माइनस माइनस। तो ये एक तरह से पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो नम कैर मेरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, तो
शुरू में तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा और हर बार एक एग्जीक्यूशन के बाद व्हाइल लूप का ये एक वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाता है, मतलब एक माइनस वन, एक तरह से नम कैर इज इक्वल टू नम कैर माइनस वन हो जाता है। तो हर बार नम कैर का वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाता है बाई वन। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि बफर के में बफर जो हम करेक्टर एरे डिक्लेयर किए थे यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था बफर कैरेक्टर एरे जो शुरुआत में, उसमें हम स्टोर कर रहे हैं सीरियल डॉट रीड। सीरियल डॉट रीड जो है एक बार में एक कैरेक्टर रीड करता है और उसको स्टोर करते हैं, उसको हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ सीरियल डॉट रीड करके कहीं स्टोर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हम फ्लश कर रहे थे, हम सा मतलब एक तरह से फ्लश करने का मतलब हुआ कि जो भी उसमें अनयूज्ड मतलब यूजलेस डेटा है, यूजलेस डेटा है, उसको हम ऐसे ही रीड करके उसको छोड़ दे रहे थे, क्योंकि उसको हमको स्टोर करने का ज़रूरत नहीं है। तो उसको उसको हम कंप्यूटर टर्म्स में फ्लश करना कहते हैं। उसके बाद हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं स्प्लिट स्ट्रिंग। स्प्लिट स्ट्रिंग एक्चुअली ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइंड है, तो हम उसको देखेंगे, जिसमें बफर एरे को हम पास करते हैं। तो जो स्प्लिट स्ट्रिंग फंक्शन है वो ऑब्वियसली एक कैरेक्टर एरे लेता है, तो बफर एरे को पास करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने जैसे कोड में विजुअलाइज करते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या हुआ होगा। अभी तक मान लीजिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तीनों कलर वैल्यू, जैसे उसका जो पैटर्न होगा वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उस पैटर्न में तीनों कलर का वैल्यूज हम भेज दिए, सेंड कर दिए। सेंड करने के बाद इस फंक्शन तक अभी तक क्या हो चुका है कि सबसे पहले तो चेक किया आर्डिनो ने, चेक किया कि बफर में डेटा है या नहीं, अगर है तो उसको फ्लश कर दिया, अगर नहीं है तो फिर हम मैंने जैसे ही सेंड पे क्लिक किया और मैंने इंस्ट्रक्शन सेंड किया, तो उसने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पहले चेक किया कि जो जितने भी जो इंस्ट्रक्शन मैंने भेजा है वो कितने कैरेक्टर्स का है, अगर वो 15 से ज़्यादा है तो उसको 15 पे सेट कर दिया, मतलब नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स अगर 15 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स अगर 15 है, नीचे जो यहाँ पे हमने किया था कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स अगर 15 है से ज़्यादा है, इफ़ नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इज़ ग्रेटर देन 15 देन उसको 15 इंस्ट्रक्शन को 15 कैरेक्टर्स ही ये रीड करेगा। क्यों वो हम आगे समझेंगे अभी। तो 15 कैरेक्टर्स पे करके अब फिर हम क्या करते हैं कि एक वाइल लूप का यूज़ करके जो भी डेटा हमने इंस्ट्रक्शन में भेजा है उसको बफर एरे में स्टोर कर देते हैं, एक एक कैरेक्टर रीड करके। जो हमारा सीरियल डॉट रीड फंक्शन है वो एक एक बार में एक कैरेक्टर रिटर्न करता है, तो उसको हम बफर एरे में स्टोर कर देते हैं। फिर हम स्प्लिट स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये अभी तक की कहानी है, चलिए आगे की कहानी देखते हैं क्या होता है। तो स्प्लिट स्ट्रिंग फंक्शन में हम आते हैं। स्प्लिट स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे है, तो आप सबसे पहले क्या होता है कि ये सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट का काम होता है सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करना, वो जो आउटपुट का विंडो था तो आउटपुट के विंडो में हम ये जो भी डेटा इसमें सीरियल डॉट प्रिंट करके देते हैं वो प्रिंट होता है। तो ये एज इट इज़ डेटा इंटर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन फंक्शन जो है, प्रिंट एक प्रिंट फंक्शन होता है, एक प्रिंट एल एन फंक्शन होता है। प्रिंट एल एन फंक्शन का यूज़ होता है कि जो भी डेटा इसमें ब्रैकेट में दिया गया है, इसके ब्रैकेट में जो भी हम पैरामीटर पास किए या फिर डेटा टू बी प्रिंटेड पास किए, तो वो जो है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। तो प्रिंट ये प्रिंट एल एन का काम होता है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना। फिर हमने एक कैरेक्टर पॉइंटर यहाँ पे डिफाइन किया पैरामीटर, तो उसके बाद हमारा आता है ये पैरामीटर इज इक्वल टू एस टी आर टी, ये एस टी आर टोक। एक्चुअली ये जो एक इनबिल्ट फंक्शन है ये स्ट्रिंग टोकन से बना हुआ है, तो इसका स्ट्रिंग और का एस टी आर और टोकन का टी ओके लेके एस टी आर टोक फंक्शन बना है, जिसमें हम डेटा जो हम पास किए थे यहाँ पे बफर आया था उसमें ये दो पैरामीटर लेता है, एक तो एक स्ट्रिंग लेता है और दूसरा एक डिलिमीटर देता है। तो इसका काम क्या होता है कि ये डेटा का वो पार्ट फर्स्ट वो पार्ट रिटर्न करता है जिसमें जहाँ तक कॉमा या फिर स्पेस, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ स्पेस या कॉमा दोनों है, तो स्पेस या कॉमा वहाँ ना हो उससे पहले का पार्ट आपको डिक्लेयर करे सेंड करेगा। तो मान लीजिए हम भेजते हैं R125, R125, G56, तो ये रिटर्न करेगा R125 डेटा का वैल्यू। अगर डेटा स्ट्रिंग जो है वो होता है R21, R25, G56, तो ये रिटर्न करेगा R125। व्हाइल लूप का यूज करते हैं। व्हाइल लूप यूज करके
जब तक पैरामीटर का वैल्यू नल ना हो जाए। मतलब आप जानते होंगे कि ये जो पैरामीटर है ये एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर जो है हमेशा या तो नल को, मतलब जैसे जब स्ट्रिंग का एंड आएगा तो वो नल को पॉइंट करने लगेगा, और वैसे स्टार्टिंग में अभी जो है वो पैरामीटर पॉइंट कर रहा है स्ट्रिंग के स्टार्टिंग फर्स्ट कैरेक्टर को, वो पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करते हैं सेट एल ई डी पैरामीटर, तो ये आप देख सकते हैं कि सेट एल ई डी पैरामीटर भी एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, तो उस फंक्शन को अभी आप देखेंगे। और उसके बाद पैरामीटर को एस टी आर टोक ये नल करके कॉमा कर देते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर को फिर से हम वो कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि नल पे मतलब पैरामीटर का जो वैल्यू है वो नल कर देते हैं ये इस कमांड का यूज करके। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करके हम जो हमारा बफर का वैल्यू है उसको नल मतलब क्लियर कर दे रहे हैं एक तरह से। तो बफर के वैल्यू में हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नल कैरेक्टर को डिफाइन करता है, इसे इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, तो इस तरह एक तरह से हम क्लियर टेक्स्ट को क्लियर कर दे रहे हैं। और उसके बाद फिर से चेक कर रहे हैं कि वेदर ये सीरियल डॉट अवेलेबल है क्या, और फिर डेटा को फ्लश कर दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्प्लिट स्ट्रिंग फंक्शन खत्म हो गया। उसके बाद आता है सेट एल ई डी फंक्शन। सेट एल ई डी फंक्शन में भी हम एक डेटा एरे लेते हैं, मतलब ये जो हमारा पैरामीटर है वो एक पॉइंटर लेता है, पॉइंटर टू एन एरे। तो इससे क्या होता है, इसमें हम क्या डाल रहे थे, सेट एल ई डी में हमने पैरामीटर भेजा था। आप देखते हैं कि सेट एल ई डी फंक्शन होता क्या है। तो जैसे जो वैल्यू हमने भेजा, जैसे इनपुट का जो पैटर्न होता है, आप वो देखते हैं पहले इस फंक्शन को समझने से पहले। तो जो हमारा इनपुट का पैटर्न होगा कुछ इस तरह का होगा, आप जो हम इनपुट देंगे डिफरेंट कलर्स के लिए वो इस तरह का देंगे, R2255B100, R127, B127G127। इसका मतलब क्या है, R का वैल्यू रेड, रेड कलर का वैल्यू 255 होगा, B का ब्लू का वैल्यू 100 होगा, R का वैल्यू 127 होगा, B का वैल्यू 127 होगा, G का वैल्यू 127 होगा, मतलब ग्रीन का G4 ग्रीन का वैल्यू 255 होगा, B का वैल्यू 0 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमा स्पेस सिर्फ स्पेस कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे जब एस टी आर टोक फंक्शन का हम यूज़ कर रहे थे तो कॉमा और स्पेस दोनों यूज किया है, तो आप देख सकते हैं। तो पैरामीटर में क्या रिटर्न करता है, जैसे मान लीजिए हमने ये फंक्शन दिया, ये फंक्शन हमने उसको सॉरी ये इंस्ट्रक्शन हमने दिया कि आर का वैल्यू भैया 255 होगा और ब्लू का वैल्यू 100 होगा। तो जो एस टी आर टोक फंक्शन पहली बार हम अप्लाई करेंगे उसमें सिर्फ यहीं तक R255 उसमें जाएगा, उसमें पैरामीटर में R255 ही रिटर्न होगा, तो पैरामीटर जो है वो पॉइंट करेगा R255 को। तो उस तरह से आप देख सकते हैं, तो जैसे एक एक हर बार जो है पैरामीटर यहाँ पे जो है इस फंक्शन में स्प्लिट स्ट्रिंग फंक्शन में ये जो है हर बार एक कलर को का वैल्यू और कलर का जो इनिशियल लेटर है वो रिटर्न करेगा, मतलब R125 या फिर B100 या फिर B0 इस तरह का आएगा। तो हमेशा जो पहला कैरेक्टर होगा वो हमारा कलर को डिनोट करेगा। तो वही हम सेट एल ई डी फंक्शन में जो पैरामीटर हम यहाँ पे पैरामीटर हम वहाँ पे उसका जो आर्गुमेंट है वो पैरामीटर है, तो पैरामीटर आता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर को सबसे पहले चेक कर रहे हैं। तीन आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है। हम मैं तीनों इफ स्टेटमेंट को एक साथ लेके चलता हूँ क्योंकि तीनों सेम है। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट में हम चेक करते हैं कि अगर रेड हुआ तो, रेड हुआ तो उसका इनिशियल लेटर या तो स्मॉल आर होगा या फिर कैपिटल आर होगा। अगर ग्रीन हुआ तो उसका इनिशियल लेटर क्या होगा, फर्स्ट कैरेक्टर या तो जी होगा, स्मॉल जी या फिर कैपिटल जी, या और अगर ब्लू हुआ तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, स्मॉल बी या फिर कैपिटल बी। तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करता है, अगर और एनी कंडीशन अगर ट्रू हुआ, ये तीनों में से कोई एक कंडीशन तो ट्रू हो गई होगा, उस केस में बाकी का कोड बिल्कुल सेम है। तो मैं एक इफ स्टेटमेंट के कोड को समझा देता हूँ, वो सेम अप्लाई होता है बाकी पे भी। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो है इंट आन ए एन एस करके एक वैल्यू ये
सॉरी ans ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें हम str tool फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। str tool एक इनबिल्ट फंक्शन है जो रिटर्न करेगा डेटा प्लस वन, मतलब कि डेटा जो है हमारा एक पॉइंटर है तो प्लस वन, तो r के बाद, तो r के बाद मेरे पास क्या बचेगा, वैसे वैल्यू बचेगा 127 128 या 255 जो भी एक वैल्यू बचेगा वहाँ से लेकर नल तक, मतलब नल तक यानी ये जो है हमारा एंड ऑफ दी स्ट्रिंग डिनोट करेगा और रिटर्न करेगा एट मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स को ये रीड करेगा और उसका जो वैल्यू है उसको ये करेगा उसमें इंटीजर में कन्वर्ट करके इसको ANS में स्टोर करेगा। और फिर ANS का वैल्यू को हम कंस्ट्रेंट कर रहे हैं 0 से 255 के बीच, मतलब हमारा कंस्ट्रेंट फंक्शन को हमने यूज़ किया था प्रोजेक्ट नंबर 8 में भी, तो कंस्ट्रेंट फंक्शन का आई होप आपको यूज़ याद होगा। तो इससे हम उस जो हम फर्स्ट पैरामीटर देते हैं उसके वैल्यू को सेकेंड और थर्ड पैरामीटर के बीच में कंस्ट्रेंट कर देते हैं, तो 0 से लेकर 255 के बीच में उसको कंस्ट्रेंट कर देते हैं। उसके बाद हम एनालॉग राइट फंक्शन का यूज़ करके रेड पिन में क्योंकि ये रेड का है इफ स्टेटमेंट, ये रेड का है तो रेड पिन में हम ANS का वैल्यू से एनालॉग राइट कर रहे हैं, मतलब उसका जो वैल्यू जिस है वो उसमें सेंड कर रहे हैं और फिर सीरियल प्रिंट कर रहे हैं कि रेड इज़ सेट टू। प्रिंट का क्या काम होता है कि वो रेड ये प्रिंट करता है जो भी हम उसको पैरामीटर पास करते हैं, तो रेड इज सेट टू और फिर प्रिंट ln फंक्शन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, तो वो जो वैल्यू है रेड का वैल्यू हम सेट करने वाले हैं वो हम पास करते हैं तो वो प्रिंट होगा उसमें। और ये int ans जो आपका str toll फंक्शन है, फिर से बता देता हूँ कि ये str toll फंक्शन जो है हमारा क्या रिटर्न करता है, डेटा प्लस वन, मतलब जो पॉइंटर है वो स्टार्टिंग मतलब R125 जैसे आया तो उसके पहले के बाद प्लस वन हो गया, तो पॉइंटर जो है अब पहला करेक्टर के बाद का जो सेकंड करेक्टर को डिनोट कर रहा है। सेकंड करेक्टर क्या होगा, वो हमारा स्टार्टिंग होगा वैल्यू का, जैसे R125 अगर आया तो वन को पे चला जाएगा वो, तो वहाँ से लेकर जब तक स्ट्रिंग ख़त्म ना हो तब तक वो 10 करेक्टर को रीड करता है, तो ये वैल्यू 125 ANS में आके तो इंटीजर में उसको कन्वर्ट करके ANS में स्टोर कर रहे हैं। तो ये था हमारा इस प्रोजेक्ट का कोड, चलिए अब इसको अपलोड करके टेस्ट करते हैं, फिर आपको ये कोड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपलोड करने के बाद अगर अभी आपको कोड समझ में नहीं आया होगा तो आप अपलोड करने के बाद एक बार फिर से मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिएगा तो आपको ये पक्का एकदम 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये आप देख सकते हैं मैंने अपना कोड टाइप कर लिया है, आप भी अपना कोड टाइप कर लीजिए, उसके बाद कोड को वेरीफाई करते हैं, USB को कनेक्ट कर लीजिए, USB को कनेक्ट करने के बाद बोर्ड और पोर्ट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कोड को अपलोड कर दीजिए। कोड को अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अभी कोई किसी तरह का कुछ आउटपुट नहीं आया है। हाँ, ये आपको इस बार जैसा कि आपने आपको मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट नंबर 8 में जो था कि आपको या तो वाइट पेपर का सिलेंडर कल बना के या फिर ऐसा वाइट प्लास्टिक का कवर बना के आपको उसको तीनों LEDs को ढक देना होगा तब आपको आउटपुट दिखे। हाँ, तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक्चुअली हमको इंस्ट्रक्शन देना है तो हम देंगे सीरियल मॉनिटर में इंस्ट्रक्शन। सपोज हम देते हैं R255 कॉमा ग्रीन को 0 रखते हैं और ब्लू को भी 0 रखते हैं, तो हमारा जो है रेड कलर आना चाहिए, देखते हैं वो आता है कि नहीं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड कलर का LED लिट हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा इंटर्ड आ गया R25G0B0 रेड इज सेट टू 255, ग्रीन इज सेट टू 0, ब्लू इज सेट टू, वो इफ स्टेटमेंट का सेट LED फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, R को 100 रखते हैं, G को भी 100 रखते हैं, एक्चुअली R को 255 रखते हैं, G को भी 255 रखते हैं और ब्लू को 0 रखते हैं। इससे हमारा येलो कलर आना चाहिए, देखते हैं येलो कलर आता है कि नहीं। और अभी आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये येलो कलर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट कलर, अगर आप R100 तीनों के वैल्यू को G100 और B100 कर देते हैं तो देखते हैं कौन सा कलर आ सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई और ही डिफरेंट कलर आ गया है,
तो ये ऐसे इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देके कलर का उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर अपने हिसाब से मूड लैंप तैयार कर सकते हैं। तो ये था हमारा 10th प्रोजेक्ट, थोड़ा लेंथी प्रोजेक्ट था क्योंकि इसका कोड लंबा था। तो आपको अगर कोड अच्छे से समझ में नहीं आया था तो आप पहले इस प्रोजेक्ट को रन कर लीजिए अच्छे से, फिर आप कोड के एक्सप्लेनेशन को जाके देखिए वापस से, इससे आपको कोड बहुत अच्छे से 100% समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। आई थिंक कि ये आपका लास्ट प्रोजेक्ट था विथ LEDs। आगे जो है वो आगे के प्रोजेक्ट्स में हम साउंड्स को एज आउटपुट यूज़ करेंगे। हाँ, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग इनकट वीडियो ट्यूटोरियल्स। थैंक यू, गुड बाय।